बुढ़िया की बात सुनकर बाप ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाप ने क्या किया? जब बुढ़िया बोल रही थी कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाप से भी नहीं, तो बाप ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाप सिर पर पैर रखकर भाग गया था, तो बाप तेज गति से भाग गया। तो बुढ़िया की बात सुनकर बाप सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में पांच सात वाक्य लिखिए। उनमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मोर, बाघ और तोता। मोर, बाघ और तोता। तो मोर, मोर क्या है? मोर सबसे सुंदर और सबसे बड़ा पंखी है। मोर की आवाज मधुर होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे हैं। जब बारिश होती है तो मोर मधुर आवाज में अपनी कूक सुनाता है, और बारिश के वक्त मोर अपनी पंखुड़ियों को फहराकर नाचता है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो हमें लिखना है, मोर के बारे में तो मोर के बारे में, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की आवाज मधुर होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के सिर पर कलमी होती है। जब बारिश आती है तब मोर नाचने लगता है। तो यह वाक्य आपको लिखने हैं,
उसके बाद बाघ, तो मोर की तरह बाघ भी हमारा राष्ट्रीय पशु है। मोर के शरीर पर काले रंग के पट्टे होते हैं। मोर जंगली जानवर है। मोर अन्य प्राणियों का शिकार करके खाता है। तो हमें मोर के बाद बाघ के बारे में लिखना है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ के शरीर पर काले रंग के पट्टे हैं। बाघ जंगली जानवर है। बाघ शिकारी जानवर है। बाघ मांसाहारी है। उसके बाद है तोता। तोते के बारे में लिखना है। तोता है जैसे आपने ऊपर कहिए Thank you.
तोता, तोता हरे रंग का होता है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है, तोते के गले में लाल रंग का पट्टा होता है, तोते को मिर्च खाना बहुत पसंद है और तोता टाइम टाइम ऐसी आवाज करता है। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर एक बे त्रण अने स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक अने बे की चर्चा करी अते हवे आती फेरा प्रश्न नंबर त्रण चार अने पांच शक्य बने तो तमे तैयार करी राखजो अने विशेष चर्चा आपणे आती फेरा ए प्रश्नोनी करीशुं।